एहसान जी बोल। एहसान ऐसा है कि उमेर को जो है ना एडवांस सैलरी दे दो ताकि वो अपने रमजान के हवाले से शॉपिंग कर सके, ठीक है? दे दे। हाँ सुनो जी बोल। आप भी कुछ एडवांस सैलरी ले लो, रमजान के लिए कुछ लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ठीक है आप आ जाए। अली क्या लिख रहा है यार? फिजा वो ज़कात का हिसाब किताब लिख रहा था। इस दफा हमारी जो है 35,000 रुपए की ज़कात बनती है जो हमें देनी है। 35,000? दे देंगे थोड़ा थोड़ा करके। हाँ हाँ बिल्कुल वही कर रहा था हिसाब किताब। पहले तो इतनी नहीं थी, हैरत है। हाँ तो हर चीज पे रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज महंगी हो रही है, तो ज़कात भी ज़ाहिर उसी हिसाब से बढ़ती है, वो तो देनी है ना। चले ठीक है वो भी दे देंगे, लेकिन अभी रमजान है और घर का राशन नहीं है, तो मैं अभी तैयार होने जा रही हूँ, आप भी तैयार हो जाए ताकि हम मार्केट चले और राशन ले आए। अच्छा ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ फिर चलते हैं। पानी की बोतल ले सकते हैं आप आगे से, बहुत प्यास लग रही है। हाँ अभी यहाँ आगे शॉप है, यहाँ से ले लेते हैं। यार एक पानी की बोतल देना। ये लो पानी। हाँ ऐसा करते हैं यार, आगे ना एक पार्क है वहाँ बैठ जाते हैं। किसका फोन आ रहा है? बाजी का है। अली पानी की बोतल तो गाड़ी में रह गई। चलो मैं ले आता हूँ। अरे ये 5,000 रुपए किसके हैं? तो किसी के हैं भी नहीं, किसके गिराए हैं? तो ये पापा बैठे हैं, इनको दे देता हूँ। बाबा कौन बेटा? परेशान हो? कौन बेटा? बाबा मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों परेशान हो? कुछ नहीं बेटा, नाबीना आदमी हूँ, अंधा आदमी हूँ, मुझे कोई नजर नहीं आता अपनी परेशानी में। बाबा ये पैसे रख लो। अरे बेटा मैं फकीर नहीं हूँ। मुझे पता है बेटा मैं फकीर नहीं हूँ। मुझे पता है बाबा, ये मैं अपनी तरफ से आपको हेल्प करता हूँ कि कुछ काम आ जाएंगे। नहीं बेटा मैं फकीर नहीं हूँ। नहीं नहीं मेरी मदद, ये मुझे बाबा कहीं से मिले थे नीचे से, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आपके काम आ जाएंगे। बाबा से क्या बातें कर रहे हो? अल्लाह भला करे तुम्हारा बेटा, अल्लाह तुम्हारा भला करे।
अल्लाह खुश रखे। सलाम सदा सलामत रखे बेटा। अरे मुझे प्यास लग रही है, कहाँ रह जाते हैं ये, जल्दी नहीं करते, पता नहीं कहाँ बातों में लग जाते हैं। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह हम बुजुर्गों की दुआएं लोगे, नाबीनाओं की दुआएं लोगे, अल्लाह तुम्हारी भी सुनेगा इंशाल्लाह। बस बाबा दुआ में याद करो। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। उफ अल्लाह, ये लो यार पानी। इतनी देर लगा दिया, और उनसे क्या बात कर रहे थे आप? यार वो मैं समझा फकीर थे, मैं जा रहा था ना तो मुझे 5,000 रुपये मिले वहाँ से, तो मैंने कहा चलो फकीर है उनको दे देता हूँ, तो मैंने 5,000 रुपये उनको दिए, तो वो तो ले ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किलों से मैंने उनको पैसे दिए, पर फकीर नहीं थे वो। आपको 5,000 रुपये मिले, आपने उठा कर उनको दे दिए जो फकीर भी नहीं थे, पता है कितनी महंगाई है, और आपने 5,000 दे दिए उन्हें। अरे तो भाई वो पैसे हमारे थोड़ी थे, वो तो मुझे खुद ज़मीन से मिले थे, रमज़ान का महीना है, मैंने कहा चलो उनके काम आ जाएंगे, और वो तो वैसे ही बहुत कोई शरीफ इंसान थे, सफ़ेद पोश लोग थे, मैंने कहा उनका भला हो जाएगा। पार्क में आए थे हम हवा खाने, सुकून से, सारा मूड खराब कर दिया, चले अब। अरे भाई ठीक है चलो। फिजा क्या हुआ, मूड खराब करके क्यों बैठी हुई हो? तौबा है, एक तो महंगाई भी इतनी हो गई है, पता नहीं क्या होगा गरीबों का। तभी तो मैंने उनके बाबा की मदद की है, और वो पैसे भी हमारे नहीं थे, इसीलिए मैंने उनकी मदद कर दी, और वो बेचारे नाबीना थे, कैसे अपने घर का गुजारा कर रहे होंगे, चलो उनके काम आ जाएंगे। और महंगाई की बात तो ये है कि अभी जब हम फ्रूट लेने जाएंगे ना तो पता लगेगा फ्रूट को आग लगी हुई होगी। अच्छा यार ऐसा करो कपड़े निकाल दो, मैं थोड़ा चेंज करके लेट जाता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगा, बहुत थक गया हूँ सुबह से निकला हूँ। ठीक है, मैं भी थोड़ा सामान समेट लेती हूँ। हर जगह ढूंढ लिया, कहाँ चले गए मेरे पैसे? हो सकता है गिर भी गए हो, लेकिन अच्छी तरह देखो, लेकिन बात यह है कि पैसे लेकर क्यों गई थी, जब पैसे मेरे पास थे लेके नहीं जाना चाहिए थे। अरे वो तो पहले ही पैसे थे जो आपने दिए थे ज़कात के लिए। क्या फिजा, अभी तक तुमने इरम को पैसे नहीं दिए? वो असल में मुझे कुछ सामान लेना था, तो मैंने सोचा कि बाद में दे दूंगी। अब क्या पता वो नोट तुम्हारा था या किसी और का, मेरी पला से चलो सवाब तो मुझे मिलेगा। आपको क्यों मिलेगा सवाब, वो तो ज़कात के पैसे थे ना, अच्छा हुआ मेरी ज़कात निकल गई। नहीं फिजा ऐसा नहीं होता, वैसे तुम्हारी तो नीयत भी नहीं थी देने की, तुमने तो बहुत बहस की मेरे साथ जो कि नहीं करनी चाहिए थी। शुक्र करो अल्लाह ने हमें बड़े नुकसान से बचा लिया, खुदा ना खास्ता मेरा एक्सीडेंट हो जाता या मेरा पर्स गिर जाता फिर। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझसे अच्छी बातें तो निकालें। अल्लाह ना करे, लेकिन अल्लाह ऐसा कर भी तो सकता है ना, ये ज़कात मुस्तहिक का हक है, ये हमारे पैसे नहीं होते, ये मुस्तहिक का हक है, उनको देना लाजमी होता है। तो अब ये है कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो, ज़्यादा सोचो मत और तैयारी करो, रोज़ा भी खुलने वाला है। ठीक है चलें, अब रोज़ा खुलने का टाइम हो गया, आप भी रोज़ा खुलना। जो शख्स ज़कात अदा करता है उसका माल पाक हो जाता है अल्लाह पाक की तरफ से, जो शख्स ज़कात देता है अल्लाह पाक उसके माल में खैर व बरकत डाल देते हैं। ज़कात देने कितना बड़ा अजर और सवाब अल्लाह पाक ने आपको दिया है,
और जो माल आप कमाते हैं और कमाने में जो परेशानियां, जो फितने आते हैं, मुश्किलात आपको उठाना पड़ती है, सामना करना पड़ती है, अगर आप ज़कात अदा करते हैं तो उन तमाम परेशानियों से अल्लाह पाक आपको महफूज कर लेते हैं। सच्चा और पुख्ता मोमिन वो है जो नमाज अदा करने के साथ साथ ज़कात भी अदा करे। अल्लाह के यहाँ खर्च करने वाला माल आपको उसका रिटर्न अल्लाह पाक आपको ज़रूर देता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस इस्लाही मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें और ये सदका जारिया समझ के करें। अगर एक शख्स के दिल में भी ये नेकी का ख्याल आ गया तो इसका अजर और सवाब आपके अहले खाना को और आपको मिलेगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल AKR आर्ट गैलरी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप तमाम लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया।